हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कोयल और यूट्यूब चैनल कोयल प्लांट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप जो फ्लावरिंग देख रहे हैं, ये प्लांट है मधुमालती का। ये एक क्रीपर है फ्रेंड्स, इसको कहीं पे भी, जो बेल है कहीं पे भी इसको लगाएं तो ये फिर इसके लिपट जाती है, ऊपर चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आप अपने घर में ट्राई कर सकते हैं और देखिए, फ्लावर्स बहुत ही सुंदर होते हैं और इनमें भिनी भिनी खुशबू आती है। साथ में हम बात करेंगे कि कुछ प्लांट्स की हम केयर कैसे करें। फ्रेंड्स, ये देखिए अडेनियम है ये, और ये अडेनियम बहुत कम पानी चाहिए होता है, तो मैं इसकी केयर नहीं कर पाई हूँ, तो इसकी शिफ्टिंग करूँगी अब मैं। साथ में आप जेट्रोफा देख सकते हैं, जेट्रोफा में मेरे यहाँ पे मिलीबग लगी है। फ्रेंड्स देखिए, बहुत ज़्यादा इसने इस प्लांट को जो है डैमेज कर दिया है, तो इस इनफ्लोरेसेंस को मैं कट करने वाली हूँ फ्रेंड्स, इसको रिमूव करूँगी और साथ में जो है इसको शैम्पू से नहलाऊंगी, क्योंकि नीचे की लीव्स में भी, इसमें देखिए आप, नीचे की लीव्स में भी ये लग गई है मिलीबग, तो इसको हटाने के लिए इसको शैम्पू से नहलाऊंगी मैं। साथ में आप ये देख सकते हैं गुलाब की फ्लावरिंग है, ये फेड हो गया आपके गुलाब, येलो गुलाब था। ये आप देख सकते हैं, ये देसी रोज़ है, बहुत ही भिन्न भिन्न खुशबू आती है इसमें। और साथ में आप ये फ्लावरिंग देख सकते हैं, गुड़हल की फ्लावरिंग है, आज तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग आई हुई है, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स खिले हैं एक साथ, कम से कम 5 फ्लावर्स खिले हैं फ्रेंड्स। देखिए इधर तो, और कुछ जो है प्लांट्स जो रोज़ के हैं, इनकी मैं कटिंग करने वाली हूँ, क्योंकि इनमें फ्लावर्स आके जा चुके हैं। तो न्यू फ्लावरिंग देखिए, यहाँ पे बर्ड्स भी आ गई है, तो न्यू बर्ड्स आती रहे, इनमें न्यू फ्लावर्स खिलते रहे, तो हमें जो पुराने फ्लावर्स हैं इनको रिमूव करना है फ्रेंड्स। इसको मैं अभी यहीं से रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि ऊपर फ्लावर बड आई हुई है, मैं चाहती हूँ जब ये फ्लावर आके चल जाएगा तब इसकी कटिंग करूँगी, स्टेम कटिंग। देखिए ये जो फ्लावर्स आके जा चुके हैं, अगर हम इनकी कटिंग नहीं करेंगे तो इनमें सीड फॉर्मेशन बनना शुरू हो जाता है फ्रेंड्स, जिससे फिर फर्दर फर्दर फ्लावरिंग होना मुश्किल है, इसलिए थोड़ी आप इन बातों का ध्यान रखें। देखिए ये इस फ्लावर को भी मैं रिमूव करने वाली हूँ, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो गया है, और साथ में जब ये बोगनवेलिया के फ्लावर्स चले जाएंगे तब मैं इनकी जो है कटिंग करूँगी ऊपर वाले टहनियों को। देखिए फ्रेंड्स, ये इन्फ्लोरेसेंस यहाँ से शुरू हुआ है, तो मैं यहाँ से कट करने वाली हूँ ताकि फर्दर नए प्लांट नए फ्लावर्स आ सकें। साथ में आप ये जो है चंपा की फ्लावरिंग का भी आनंद ले सकते हैं फ्रेंड्स, अभी तो फ्लावर्स आए हुए हैं और अभी इसका डोरमेंसी पीरियड शुरू होने वाला है, करीब दिसंबर तक इसका डोरमेंसी पीरियड आके ये सारी लीव्स को गिरा देता है, फ्लावरिंग भी नहीं आती है। फिर फर्दर जो है मार्च के बाद में इसमें न्यू फ्लावरिंग आती है। तो फ्रेंड्स, आपको केयर टिप्स इनकी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, प्लांट्स कैसे लगे, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, बाय।